सोनभद्र के सागर थाना क्षेत्र के टुटेर गांव में आज कुएं में मोनोब्लॉक पंप निकालने उतरे पिता पुत्र जहरीली गैस की चपेट में आ गए। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह दोनों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पुत्र को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पिता की हालत गंभीर बनी हुई थी, जिनको डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। सोनभद्र के शाहगंज थाना क्षेत्र टुटेर गांव में कुएं में लगे मोनोब्लॉक पंप को निकालने के लिए सुरेश 52 वर्ष कुएं में उतरे, लेकिन बेहोश होकर गिर गए। वहीं उनको बेहोश होता देख आदर्श भी कुएं में उतरा, लेकिन वह भी बेहोश हो गया। ग्रामीणों ने कुएं में जहरीली गैस की आशंका को देखते हुए किसी तरह दोनों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल ले गए, जहाँ पुत्र आदर्श को मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना है कि आदर्श को मृत अवस्था में लाया गया था, जबकि पिता सुरेश की हालत गंभीर है, उन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। मृतक की मौत का कारण पोस्टमार्टम से ही स्पष्ट हो पाएगा। मौत वो कुएं में लोग मोटर को निकालने के लिए हले थे, पहले सुरेश हले लड़के का बाप, इसके बाद जब आवाज कुछ आई तो लड़का जो है उनका गया अंदर, अब वो भी मतलब ये स्थिति में ढल गए। तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जो है गाड़ी यहाँ से गई, एम्बुलेंस वगैरह पुलिस डिपार्टमेंट गया वहाँ पर, तो घर का एक लड़का मतलब फला उसमें, और जो है वो लड़का जो है बांध हो उसको रस्सी में, तब लोग खींच उच के ऊपर है। कितने लोगों की मौत हुई है? एक तो एक्सपायर हो गई है बाड़ी यहाँ पर, एक लड़का जो है सुरेश जो है वो भी अचेता हुआ सामने, वहाँ रेफर करके दिया गया बनारस के लिए। पिता पुत्र दोनों लोग? हाँ, पिता पुत्र दोनों लोग आए थे। क्या मामला था सर? अभी एक लोग जैसे कि लोग बता रहे हैं कि कुएं में गिरने से जो है एक आदमी तो ऑन स्पॉट मतलब यहाँ मृत अवस्था में आए, और दूसरे आदमी जो है जीवित अवस्था में है, उनकी हालत ठीक नहीं थी, उनको प्राथमिक इलाज के बाद हमने ट्रॉमा सेंटर BHU भेज दिया। तो बाकी अगर हैं उनका जो पोस्टमार्टम होना है, तो दूसरे जो ठीक हैं वो भी सीरियस ही हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया। यहाँ पर किसी दिन की यही स्थिति थी।